नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश श्रीवास्तव इंडिया में आपका स्वागत करती हूं। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ मुकाबले को लेकर अपनी राय दी है। बाबर आजम का मानना है कि दुबई में भारत के खिलाफ मुकाबले में पाकिस्तान टीम फायदे में रहेगी। बाबर आजम को भरोसा है कि दुबई में ज़्यादा मैच खेलने से पाक टीम को फ़ायदा मिलेगा। 24 अक्टूबर को दोनों टीमें आपस में भिड़ेंगी। आपको बता दें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC टूर्नामेंटों में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ सीमित सफलता मिली है। टीम को एकमात्र बड़ी सफलता 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में मिली थी। भारत और पाकिस्तान की टीमें T20 वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शुरुआत एक दूसरे के खिलाफ मैच से 24 अक्टूबर को दुबई में करेंगी। पाकिस्तान ने इस मैदान पर 36 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उसे 21 में जीत मिली है। बाबर आजम ने कहा, जो टीम अपनी योजनाओं को बेहतर ढंग से मैदान में उतारेगी और ज़्यादा मौक़ों का फ़ायदा उठाएगी, उसे ही सफलता मिलेगी। बता दें, बाबर आजम ने आगे कहा, मुझे पता है कि मेरी टीम आत्मविश्वास से लबरेज है और 24 अक्टूबर के मैच का इंतज़ार कर रही है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ 7 T20 मैच हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि हम उनमें से ज़्यादातर को जीतना चाहेंगे। हम उस जीत के आत्मविश्वास और लय को दुबई तक ले जाने की कोशिश करेंगे। हालांकि बाबर ने इस बात को स्वीकार किया कि दुबई स्टेडियम की स्थिति भी भारत से बेहतर पाकिस्तान के अनुरूप होती है। उन्होंने कहा कि UAE हमारे दूसरे घर की तरह है और हमने वहां कई T20 मैच जीते हैं और वर्ल्ड रैंकिंग की शीर्ष टीम बने। हाँ, इससे एक अतिरिक्त लाभ होगा। मुझे विश्वास है कि ये खिलाड़ियों को प्रेरित करेगा। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।